व्हाट्स अप एवरी वन, वेलकम टू नोट्स। तो फाइनली हुआ ये है कि नेक्स्ट जेएस ने अपना वर्जन 9 लॉन्च कर दिया है और इसके अंदर बहुत से एक्साइटिंग फीचर्स इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं जो डेवलपर्स को बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कामिल है, जो बेसिकली फाउंडर है नेक्स्ट जेएस का, उसने ये आर्टिकल पोस्ट किया था ऑन July 8, 2022 को, नियरली 5 डेज अर्लियर, जिसके अंदर उसने ये अनाउंस किया है कि उसने नेक्स्ट जेएस का वर्जन 9 लॉन्च कर दिया है। और अगर आप इसको उस आर्टिकल को गो थ्रू करेंगे तो इसके अंदर उसने बेसिकली कई जो हैं वो एक्साइटिंग फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो मुझे ये वाला लगा है, रैपल का, जिसके अंदर आप बेसिकली जो है इस रैपल को इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो हैं वो मॉड्यूल्स को, सर्विसेज को, रिपोजिटरीज को जो है वो बहुत इजीली डिबग कर सकते हैं विदाउट रनिंग योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो है ना, मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस वर्जन 9 को टेस्ट आउट करें और ख़ास तौर पर इस रैपल के फीचर को हम टेस्ट आउट करें। ठीक है, तो ये जो पूरी कंप्लीट वीडियो है इसके अंदर हम जो है ना वर्जन 9 को इस्तेमाल करते हुए इस रैपल को जो है वो टेस्ट आउट करेंगे, इसके फीचर्स को टेस्ट आउट करेंगे कि हम कैसे इसकी मदद से अपनी एप्लीकेशन को जो है प्रॉपरली जो है वो डिबग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने वीएस कोड में आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो एक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है थ्रू नेस्ट जेएस सीएलआई। ठीक है, और ये बिल्कुल वही एक प्लैंक एप्लीकेशन है जो हम ऑलरेडी क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेस्ट सीएलआई। ठीक है, और इसके अंदर अगेन वही कहानी रिपीट हो रही है कि हमारा एक मेन डॉट टी एस है जो बेसिकली एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही ऐप मॉडल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और अगेन आप वही ऐप मॉडल के अंदर आते हैं तो आपके पास एक ऐप कंट्रोलर है और एक ऐप सर्विस है। ठीक है, और जैसे ही आप कंट्रोलर के अंदर आएंगे तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि उसके अंदर एक ऐप सर्विस इंजेक्ट हो रही है और कंट्रोलर के अंदर एक मेथड लिखा हुआ है जो बेसिकली ऐप सर्विस के गेट हेलो मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, और अगर आप दोबारा ऐप सर्विस में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि वो हेलो मेथड सिंपली जो है वो एक हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये वही बेसिकली ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है जो जब भी हम लोग जो है वो जो हम लोग बेसिकली नेस्ट सीएलआई के थ्रू क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी चीज़ नई नहीं है, बेसिकली बिल्कुल वही प्रोजेक्ट है जो हम पहले क्रिएट करते हुए हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो बेसिकली मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है इसके अंदर मैंने जो नेस्ट का सीएलआई वर्जन है वो बेसिकली वर्जन 9 इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं अपना इंटीग्रेट टर्मिनल खोलता हूँ तो यहाँ पर जो है अगर मैं टाइप करता हूँ नेस्ट इन्फो तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि बेसिकली जो मैंने वर्जन इस्तेमाल किया है वो है वर्जन 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है वो सारी की सारी मेरी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, नेस्ट सीएलआई की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है और मेरी पैकेज डॉट जेसन की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीएलआई के वर्जन है आप देख सकते हैं कि मैंने वर्जन 9 इस्तेमाल किया हुआ है और जो मेरे पास इस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक जो डिपेंडेंसीज हैं उसके अंदर जो मेरा कोर वर्जन है वो भी 9 है, सीएलआई वर्जन भी 9 है, कॉमन वर्जन भी 9 इस्तेमाल हो रहा है और टेस्टिंग वर्जन भी 9 है। ठीक है, तो नियरली सारे के सारे जो वर्जन हैं वो मेरे पास वर्जन 9 है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिकली वर्जन 9 को ही टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिफोर गोइंग फर्दर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिकली मॉड्यूल्स के बारे में पता है, सर्विसेज के बारे में भी पता है। ठीक है, तो आप जैसे मेरे यहाँ पे हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास मॉड्यूल्स हैं, यहाँ पे मॉड्यूल का डेकोरेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मॉड्यूल्स के बारे में भी पता है, आपको सर्विस लेयर के बारे में पता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए अगर आप इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो मैंने बेसिकली नेस्ट जेएस के ऊपर अपनी कंप्लीट सीरीज बना के रखी हुई अपने चैनल के ऊपर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल उसको गो थ्रू कर लें। गो थ्रू करने के बाद आप दोबारा इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये दोबारा है तो मैं अपने इंटीग्रेट टर्मिनल के ऊपर और मैं यहाँ पर जो अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि हम जो है वो यहाँ पर रैपल को इस्तेमाल कर रहे होंगे, रैपल के फीचर को टेस्ट करने वाले हैं, तो हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो टर्मिनल में जो है वो स्पेंड हो रहा होगा। ठीक है, तो रैपल को इंटीग्रेट करने के लिए अपने नेस्ट की एप्लीकेशन के साथ जो है आपको बेसिकली सिंपल एक फाइल चाहिए जिसके अंदर आप जो है अपनी एप्लीकेशन के ऐप मॉड्यूल को, जो बेसिकली आपका रूट मॉड्यूल है, उसको आप रैप करने वाले हैं रैपल के अंदर। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो अपना इंटीग्रेट टर्मिनल बंद कर लेता हूँ और अपने सोर्स फोल्डर के अंदर आया था और यहाँ पर राइट क्लिक करके हम एक और नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसको मैं नाम देता हूँ रैपल डॉट टी एस। ठीक है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन मैं इस क्योंकि रैपल को टेस्ट करने जा रहा हूँ तो मैंने सिर्फ फाइल का नाम रख दिया रैपल डॉट टी एस। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा फाइल को और यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्ट्स लेके आएंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम सिंपल करेंगे इम्पोर्ट। ठीक है, और हम इम्पोर्ट कर रहे होंगे रैपल और रैपल को अगेन हम इम्पोर्ट कर रहे होंगे फ्रॉम @nestjs/course इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, और ये अगेन जो कोर की डिपेंडेंसी जो नेस्ट जेएस स्लैश कोर के पैकेज इंपोर्ट हो रही की। ठीक है, और आपने मेक श्योर करना है कि आप वर्जन 9 इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि ये जो रैपल का फीचर है ये सिर्फ वर्जन 9 में ही अवेलेबल है। ठीक है, और इसी के साथ हम यहाँ पर अपना ऐप मॉडल भी इम्पोर्ट कर लेंगे तो ऐप मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया वीएस कोड ने और यहाँ पर हम सिंपल एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एसिंक
और यहाँ पर हम फंक्शन का नाम दे देंगे, लेट सपोज करें मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ बूटस्ट्रैप, ठीक है। और यहाँ पर पैरामीटर्स में हमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं ये सारी की सारी चीज़ यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पर सिंपल आते ही आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने अवेट लगाना है, और अवेट लगा कर आपने जो रैपल इम्पोर्ट किया है उसके अंदर आपने अपने ऐप मॉडल को पास कर देना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपने सिंपल जो है उस फंक्शन को कॉल कर देना जो हमने क्रिएट किया है, बूटस्ट्रैप का फंक्शन, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में, मतलब इस फाइल में, हम बेसिकली कुछ नया नहीं कर रहे, बेसिकली हमने सिंपल क्या किया कि रैपल को इम्पोर्ट किया और उसके अंदर बेसिकली हमने ऐप मॉडल को पास कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस फाइल की मदद से अब हम अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे इन रैपल मोड, ठीक है। और इसी के साथ मैं आ जाता हूँ दोबारा अपने इंटीग्रेटर मेल के ऊपर, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब अपनी कमांड रन करेंगे जिसके थ्रू बेसिकली हम लोग इस एप्लीकेशन को रेपल के अंदर रन कर रहे होंगे, ठीक है। दैट विल बी एन पी एम, ठीक है। हम रन स्टार्ट की ही कमांड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम डैश डैश लगाएंगे, ठीक है। डैश डैश का एक फ्लैग पास करेंगे, और फिर डैश डैश का फ्लैग इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो एंट्री फाइल का एक फ्लैग पास करेंगे, जिसके अंदर हम अपनी एंट्री फाइल को डिफाइन करेंगे कि हम किस एंट्री फाइल के थ्रू इस एप्लीकेशन को रन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे केस में उस फाइल का नाम था रैपल, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर रैपल एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इस कमांड को रन करेंगे, ये आपकी नेक्स्ट की एप्लीकेशन को रैपल मोड के अंदर स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे एक लॉग प्रिंट हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि आपकी जो रिपल है वो प्रॉपरली इनिशलाइज हो चुकी है, और यहाँ पर वो आपसे कोई भी एक इनपुट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम लोगों ने बिल्कुल जो है वो सक्सेसफुली जो है हमने रेपल को कनेक्ट कर लिया है विद अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिंपली जो है ना कोई भी कमांड्स जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से कमांड्स अवेलेबल हैं, तो आप सिंपल यहाँ पर एच ई एल पी हेल्प का जो है वो फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप हेल्प के फंक्शन कॉल करके एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन आपको बता रहा है कि सारे के सारे कौन कौन से फीचर्स हैं जो इस रैपल के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक डिबग का है, एक गेट का है, एक हेल्प का है, एक मेथड्स का है, रिजॉल्व का है, और सेलेक्ट का है, ठीक है। और जो जो फीचर्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आगे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में डिफाइन भी किए हैं कि अगर आप डिबग का फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको सारे के सारे रजिस्टर्ड मॉड्यूल्स जो है वो प्रिंट करके दिखाएगा, गेट का जो फंक्शन है वो आपको एक इंस्टेंस जो है वो ला के देगा, ठीक है। इसी तरीके से फर्दर जो है वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको वन बाय वन करके इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं और इसके फीचर्स को टेस्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज करें कि मैं सबसे पहले डिबग का जो है फंक्शन इससे कॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पर डिबग कॉल करूंगा। डिबग का फंक्शन कॉल करके जैसे मैं एंटर करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन वो आपको बता रहा है, लिस्ट डाउन कर रहा है कि आपके पास एक ऐप मॉड्यूल है, और इस ऐप मॉडल के जो भी कंट्रोलर्स हैं उसके अंदर आपके पास सिंपल एक ऐप कंट्रोलर है, और प्रोवाइडर्स के अंदर आपके पास सिंपल एक ऐप सर्विस है, ठीक है। तो मेरे नज़दीक काफ़ी यूज़फुल है आपको ये देखने के लिए कि आपके पास किस किस मॉड्यूल में क्या क्या कंट्रोलर्स भरे हुए हैं और क्या क्या प्रोवाइडर्स आपके पास रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप इस वक्त गौर करें तो मेरे एप्लीकेशन में सिंपल एक ही ऐप मॉड्यूल है जिसके अंदर एक ऐप कंट्रोलर है और एक ऐप सर्विस है, ठीक है। तो इसी वजह से बेसिकली आपको वो सिंपली जो है वो वही इसने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए, ठीक है। और इस पॉइंट पर सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप दोबारा कमांड देखें, तो यहाँ पर उसने गेट की कमांड आपको दी हुई है। एक बेसिकली गेट का फंक्शन है जिसके थ्रू आप कोई भी इंस्टेंस जो है वो गेट कर सकते हैं। अब वो इंस्टेंस बेसिकली कंट्रोलर का भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, इंजेक्टेबल का भी हो सकता है, मतलब प्रोवाइडर का भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर जो है इस गेट के मेथड को एग्जीक्यूट करने से पहले, सबसे पहले हम इस मेथड्स को एग्जीक्यूट करेंगे जो बेसिकली मुझे सारे के सारे पब्लिक मेथड्स जो है वो डिस्प्ले करके देगा, प्रोवाइडर के अंदर भी और कंट्रोलर के अंदर भी, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ सिंपल यहाँ पे कर दूंगा मेथड्स, और मेथड्स के अंदर मैं यहाँ पे जो है वो सिंपली कॉल कर दूंगा अपना ऐप कंट्रोलर, ठीक है। तो मैं जैसे ही ऐप कंट्रोल को यहाँ पे लिख के एंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि मेथड्स ऐप कंट्रोल जैसे मैंने पास किया तो वो भी बता रहा है कि आपके ऐप कंट्रोलर के अंदर जो है वो गेट हेलो का एक मेथड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं अपना इंटीग्रेटर बंद भी करता हूँ और बंद करते साथ ही दोबारा अगर मैं अपने ऐप कंट्रोल में आता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास वही एक मेथड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको रैपल के अंदर इस मेथड को मैं एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ, और आपको पता है कि जैसे ही इस मेथड को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरी बेसिकली ऐप सर्विस के गेट हेलो मेथड को कॉल करेगा, जो बेसिकली मुझे हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा अपना इंटीग्रेट टर्मिनल खोलता हूँ और मैं अगर इस मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहूँ, तो मैं सिंपली कर सकता हूँ कि मैं सबसे पहले इस ऐप कंट्रोलर के इंस्टेंस को गेट करूँगा, तो दैट विल बी गेट, और गेट के अंदर मैं अगेन ऐप कंट्रोलर पास करूँगा, ठीक है। मैंने गेट यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बेसिकली ये मुझे एक इंस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और वो इंस्टेंस बेसिकली इंजेक्टेबल भी हो सकता है, मतलब प्रोवाइडर का भी हो सकता है या कंट्रोलर का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उसका इंस्टेंस गेट करूँगा, और इंस्टेंस गेट के साथ ही मैं डॉट करके इस मेथड को कॉल करूँगा गेट हेलो को, ठीक है। तो दैट विल बी गेट हेलो,
ठीक है। और जैसे ही आप इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगेन अपने कंट्रोलर के मेथड्स को सिंपली इस रेपल के अंदर आकर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ विदाउट रनिंग माई मेन एप्लीकेशन, जो मेरे नज़दीक डेवलपर के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। और यही सेम स्नैरियो हम जो है वो जो है सर्विसेज के साथ भी जो है हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने रिपीट किया कंट्रोलर के साथ, अब हम रिपीट करेंगे सर्विसेज के साथ, ठीक है। तो इसलिए आपको सिंपल क्या करना है कि मेथड्स और यहाँ पर हम सिंपल पास कर देंगे ऐप सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितने भी ऐप सर्विस के अंदर मेथड्स पड़े होंगे आपको दिखा देगा। तो अगेन मेरी ऐप सर्विस में भी एक ही मेथड पड़ा हुआ है जो बेसिकली गेट हेलो का मेथड है, तो उसको भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट विल बी गेट, और गेट के अंदर ऐप सर्विस, और ऐप सर्विस के अंदर मैं डॉट करके सिंपली गेट हेलो के मेथड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, जो अगेन मुझे हेलो वर्ल्ड ही प्रोवाइड कर रहा होगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम लोगों ने बेसिकली क्या कर लिया है कि गेट को भी टेस्ट कर लिया है, मेथड्स को भी टेस्ट कर लिया है, ठीक है। और हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो यह है रिजॉल्व का, ठीक है। अब रिजॉल्व भी अगेन आपको जो है वो इंस्टेंस ही प्रोवाइड करेगा, वो इंस्टेंस इंजेक्टिकल का भी हो सकता है और कंट्रोलर का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो आपको इंस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो रिक्वेस्ट स्कोप्ड होगा। रिक्वेस्ट स्टॉप का मतलब ये है कि जो भी नई रिक्वेस्ट आएगी तो हर नई रिक्वेस्ट के लिए वो नया इंस्टेंस क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आप उसको फर्दर जो है वो रिजॉल्व के मोड में भी आके आप उसको जो है वो टेस्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगेन वो सेलेक्ट का मेथड है, सेलेक्ट के मेथड के अंदर आप कोई भी स्पेसिफिक मॉडल सेलेक्ट करके उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट के मेथड को ट्राई आउट कर सकते हैं, इट विल बी सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर आप सिंपल जो है वो अगर मैं ऐप मॉडल को पास करता हूँ तो ऐप मॉड्यूल, और यहाँ पे जैसे उसको एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उस ऐप मॉड्यूल से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे उसने लॉक कर दी, जिसके अंदर वो नेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से कंटेनर उठा रहा है, ठीक है। अगेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, मैं इसके अंदर डेप्थ नहीं जाऊँगा, लेकिन ये बेसिकली जो है वो डिबग करने के लिए डेवलपर्स को बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा हेल्प लिख के जो है वो अपने कमांड्स लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, तो हमने तकरीबन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द कमांड्स यहाँ पे टेस्ट आउट कर ली हैं आपको ये बताने के लिए कि ये फर्दर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जैसे ही आप इसके अंदर फर्दर अपनी एप्लीकेशन को ग्रोअप करना स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे, तो अगेन आप उसको यहाँ पर फर्दर टेस्ट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, अगर मैं सिंपली इस एप्लीकेशन को क्लोज़ करता हूँ, ठीक है, आपको क्लोज करने के लिए कंट्रोल सी को दबाना पड़ेगा दो दफ़ा, ठीक है। तो जैसे ही आप कंट्रोल सी को दो दफ़ा दबाएंगे तो ये आपका रेपल जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, और क्लियर करते साथ ही बेसिकली मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर सिंपली जो है वो रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट सपोज करें कि मैं नेस्ट जी फोर जनरेट रिसोर्स, तो RES रिसोर्स का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे लेट सपोज करें मैं बुक की रिसोर्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बुक का नाम देकर इसको एंटर कर दूँगा, तो ये सिंपली मुझे जो है वो एक रिसोर्स क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम REST API को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, दैट विल बी REST API, और मुझे कट एंट्री पॉइंट्स भी चाहिए, तो मैं Y मतलब येस करके इसको एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने बेसिकली मेरी जो है वो बुक की रिसोर्स क्रिएट कर दी, और उसने मेरे ऐप मॉडल को भी अपडेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने बेसिकली सिंपल जो है वो बुक का मॉडल भी क्रिएट कर दिया, बुक की सर्विस भी क्रिएट कर दी है, बुक का कंट्रोल भी क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अगर आप मेरे अगर मैं इंटीग्रेटर को बंद करता हूँ, और अगर आप मेरी इस बुक के जो है वो मॉडल के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बुक का कंट्रोलर भी है और बुक की सर्विस भी है, ठीक है। और बुक के कंट्रोलर के अंदर आपके पास सारे के सारे वो कर्ड के जो है वो एंट्री पॉइंट्स हैं, जो बेसिकली आपकी सर्विस के साथ प्रॉपरली मैप हो रहे हैं, और बुक सर्विस के अंदर आपके पास सारे जो हैं वो सर्विस के मेथड्स हैं, जो बेसिकली फिलहाल एक हार्ड कोड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है बेसिकली इन मेथड्स को भी जो है फर्दर जो है वो टेस्ट आउट कर सकते हैं थ्रू रैपल, ठीक है। तो मैं सिंपली काम करता हूँ कि अपने इस इंटीग्रेटर में को दोबारा खोल लेता हूँ, और खोलते साथ ही हम एक काम करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, और क्लियर करते साथ ही मैं दोबारा जो है उस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, और हम दोबारा अपने रैपल मोड के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो रैपल है प्रॉपरली इनिशलाइज हो चुका है, ठीक है। और इस पॉइंट पर जैसे ही आप यहाँ पर जो है आते साथ ही यहाँ पर डिबग के फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक और नया एक मॉडल ऐड हो चुका है, जिसके अंदर एक बुक का कंट्रोलर है और एक बुक की सर्विस है, ठीक है। और आप बेसिकली इस मॉडल को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, तो आप सिंपली सेलेक्ट का मेथड इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो है वो बुक मॉडल भी पास कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप उसको एंटर करेंगे तो आपको स्पेसिफिकली उस मॉड्यूल से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसके इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, हम सिंपली काम करते हैं कि यहाँ पर दोबारा हेल्प को कॉल कर लेते हैं और दोबारा फंक्शंस को ट्राई आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन आप बेसिकली जो है वो डीबग को कॉल करते साथ ही, ठीक है, दोबारा डिबग कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेट सपोज करें कि मैं बुक कंट्रोल के अंदर कोई भी उसका स्पेसिफिक मेथड डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली कर सकता हूँ कि मेथड्स, और मेथड्स के अंदर यहाँ पर हम सिंपली जो है वो बुक कंट्रोल पास कर सकते हैं,
ठीक है। और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसने बुक कंट्रोल के सारे मेथड्स यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं कि उसके अंदर क्रिएट का मेथड है, फाइंड ऑल का है, फाइंड वन का है, अपडेट का है और रिमूव का है, ठीक है। और आप इसमें से जो है वो सिंपली कोई भी मेथड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ उसका इंस्टेंस गेट कर लेता हूँ फ्रॉम गेट, और गेट के अंदर आते साथ ही यहाँ पर मैं पास कर दूंगा बुक कंट्रोलर कि मुझे बुक कंट्रोलर का इंस्टेंस ला के दो, और देन डॉट करके मैं फाइंड ऑल का जो है वो मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स में मेरे पास एक स्ट्रिंग आ रही है कि दिस एक्शन रिटर्न्स ऑल बुक, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो सारी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन आप इसकी जो है ना वो बेनिफिट का अंदाजा तब लगाएंगे जब इसको प्रॉपरली एक डेटाबेस के साथ प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप जैसे ही आप मेथड्स कंट्रोलर के भी गेट कर सकते हैं, और इसी तरीके से मैं मेथड्स जो है वो सर्विस लेयर के भी गेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मैं बुक सर्विस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और बुक सर्विस के साथ इसको एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उस सर्विस के सारे मेथड्स को उसने लिस्ट डाउन कर दिया है। और अगेन मैं बुक सर्विस का इंस्टेंस गेट करते साथ ही उसको उसके किसी भी मेथड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मैं लेट सपोज करेंगे फाइंड ऑल के मेथड को ही एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि दिस एक्शन रिटर्न्स ऑल बुक, ठीक है। और इस पॉइंट पर आप बेसिकली फाइंड वन का भी जो है मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो बेसिकली एक आईडी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं अपना एंट्री रिटर्न बंद करता हूँ, बंद करते साथ ही दोबारा हम बुक सर्विस के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि फाइंड वन का मेथड आपसे एक आईडी एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो भी आप बेसिकली यहाँ पे पैरामीटर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, गेट अगेन, गेट के अंदर हम सिंपल बुक सर्विस पास करेंगे, दैट विल बी बुक सर्विस, और यहाँ पर हम डॉट के अंदर फाइंड वन के मेथड को इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर एक नंबर इस्तेमाल हो रहा होगा, तो दैट विल बी वन। और जैसे ही वन करके आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दिस एक्शन रिटर्न्स अ बुक विथ आईडी वन, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे सिंपली हम लोगों ने तकरीबन सारी चीज़ें रेप्लिकेट टेस्ट आउट कर ली हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जितने भी ये मेथड्स हैं आप जाकर उनको फर्दर जो है अपने पास टेस्ट आउट करें और देखें कि आपको ये डेवलपमेंट में जो है वो हेल्पफुल होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ बताइएगा कि आपको जो नेक्स्ट वर्जन 9 के अंदर ये जो फीचर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं रेपल के, कि क्या ये आपको अच्छे लगे कि नहीं लगे, क्या ये आपके लिए यूज़फुल हैं कि यूज़फुल नहीं है। और रेपल से रिलेटेड अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल साबित हुई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।